Hello friends, today is the lecture number 10. Today we discuss about the strike and destruction method aldehyde. Previous lecture में हम बात कर चुके हैं, recap करते हैं क्या हम लोग बात कर चुके हैं. जैसा कि first lecture जब हम chemical slicing start किए थे उसमें हम बात किए थे classification का, जिसमें हम लोग high level, intermediate level और low level chemical को बांटे थे slicing method को. low high level का example था ETO plasma aldehyde, intermediate level का example था phenol और halogen PH, और low level alcohol and surface acting agent. अब हम लोग पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं ईटीओ के बारे में, हाई लेवल का एग्जांपल था, और प्लाज्मा के बारे में. अब हम बात करेंगे एल्डिहाइड के बारे में, फिर हम आएंगे इंटरमीडिएट लेवल पे. तो अभी तक का जो अपना लेक्चर है वो हाई लेवल ऑफ केमिकल्स पे बेस्ड है. इसमें जो हम लोग आज डिस्कस करेंगे एल्डिहाइड के बारे में, एल्डिहाइड कैसे काम करता है, ये कैसे स्लाइसिंग एंड डिस्ट्रक्शन में हेल्प करता है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है. इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है एल्कलाइजेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल एमिनो कार्बोक्सिल रेसिड्यू ऑफ प्रोटीन. मतलब ये प्रोटीन को इस तरह से तोड़ देता है, इस तरह से इनएक्टिव कर देता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में वो प्रोटीन काम ही नहीं करेगा. जब प्रोटीन काम ही नहीं करेगा तो प्रोटीन को क्या बोलते हैं हम लोग, बॉडी बिल्डिंग पार्ट होता है. ठीक है, बॉडी बिल्डिंग इसको मॉलिक्यूल बोला जाता है. जब ये काम ही नहीं करेगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाएंगे, डेड कर जाएंगे. तो इस तरह से एल्डिहाइड का काम होता है. ठीक है, ये प्रोटीन को डिनेचर कर देता है, नष्ट कर देता है. ठीक है, अब ये एल्डिहाइड तीन तरह का पड़ेंगे हम लोग. एक फॉर्मल्डिहाइड 40%, एक को बोलते हैं ग्लूटराल्डिहाइड, जिसको हम लोग साइडेक्स बोलते हैं. जब हम लोग दुकान पे जाएंगे तो हम लोग साइडेक्स के नाम पे मिलता है, साइडेक्स का ब्रांड नेम है. साइडेक्स के नाम पे साइडेक्स 2% और ऑर्थोफ्थैल्मेल्डिहाइड OPH 0.55%. तीन तरह का पढ़ेंगे. अब एग्जामिनर क्या करता है कि क्वेश्चन पूछता है कि यदि हमें फॉर्मिगेशन ऑफ OTs या वाट करना है तो कौन सा स्लाइसिंग मेथड यूज करते हैं. इसका आंसर है केमिकल मेथड यूज करते हैं. यदि केमिकल मेथड ऑप्शन में नहीं है फिर एल्डिहाइड मेथड का यूज करते हैं. जब यह भी नहीं है तो फॉर्मल्डिहाइड 40% का यूज करते हैं जब हमें फॉर्मिगेशन करना हो OTs और वाट्स को. मतलब OTs और वाट को स्लाइसिंग एंड डिस्ट्रक्शन करना है तो हम लोग फॉर्मल्डिहाइड यूज करते हैं. ओके, डकिंग करना हो एनिमल्स वूल्स का, जिसमें हम लोग मिलता है बेसिलस एंथ्रेसिस स्पोर, यदि उसको हटाना हो तो हम लोग यूज करते हैं फॉर्मल्डिहाइड 40% का. ओके, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज है वो है एनाटोमिकल स्पेसिस. एनाटोमिकल स्पेसिस को यदि हम लोग प्रिजर्व करना है तो हम लोग जो केमिकल्स यूज करते हैं, जो लिक्विड यूज करते हैं, वो लिक्विड होता है फॉर्मल्डिहाइड 40%. ओके, अब बात करते हैं ग्लूटराल्डिहाइड का, जिसको हम बोलते हैं साइडेक्स 2%. ये क्या करता है, ये भी स्लाइसिंग एंड डिसइंफेक्शन ऑफ एनेस्थेटिक इक्विपमेंट्स. जो एनेस्थेटिक इक्विपमेंट्स जो हम लोग यूज करते हैं ओटीज में या ऑपरेशन के टाइम, तो उस समय जो एनेस्थेटिक इक्विपमेंट्स होते हैं उसको यदि स्लाइस करना है या डिसइंफेक्ट करना है तो हम लोग ग्लूटराल्डिहाइड का यूज करते हैं या साइडेक्स 2% का यूज करते हैं. ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है. अब हमें साइडेक्स से स्लाइसिंग करना है किसी भी एनेस्थेटिक इक्विपमेंट्स को तो 6 से 8 घंटे लगेंगे. बट ओनली क्योर डिसइंफेक्शन करना है, मतलब उसमें स्पोर है कोई मतलब नहीं है. डिसइंफेक्शन का मतलब होता क्या है कि स्पोर है, स्लाइसिंग का मतलब है कि स्पोर में नहीं है. यदि स्पोर उसमें रहे उससे कोई हार्मफुल ज़्यादा नहीं है तो 25 से 30 मिनट में हम लोग उसे डिसइंफेक्शन कर लेंगे, और फिर इसका हम लोग रीयूज भी करते हैं 10 से 14 दिन बाद. ठीक है, अब इसका जो यूज करते हैं एस्थेटिक इक्विपमेंट्स में वो क्या क्या हो सकता है, वो होता है सिंथोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी, इंडोस्कोप्स और कैप्सुलेटेड रबर ट्यूबिंग इंडोट्रेकियल ट्यूब. जो इंडोट्रेकियल ट्यूब होता है जो हम डालते हैं उसको भी हम लोग इसी से डिसइंफेक्टेंट और स्टरलाइज करते हैं. ठीक है, जो लास्ट है इसका एग्जांपल वो है ऑर्थोफ्थैल्मेल्डिहाइड OPS 0.55%. ये क्या है, ये साइडेक्स के जैसा ही होता है, सेम एज साइडेक्स, बट ये जो एक्टिव होता है इसका जो पीएच है वो वाइड है. जब ये सिर्फ एल्कलाइन पीएच पे, ये सिर्फ एल्कलाइन पीएच पे ही इसका जो एक्टिवेशन है वो मतलब वाइड है, वाइड स्पेक्ट्रम पे ही एक्टिव होता है. बट ये सिर्फ एक स्पेसिफिक एल्कलाइन पीएच पे एक्टिव होता है, मतलब इसका नैरो पीएच एक्टिवेशन है. ठीक है, बट इसका वाइड पीएच एक्टिवेशन होता है. ठीक है, ये लेस इरिटेंट होता है एज कंपेयर टू साइडेक्स. साइडेक्स थोड़ा इरिटेंट होता है ज्यादा. जैसे हम लोग ब्रोंकोस्कोपी और एंडोस्कोपी को स्लाइस और डिसइंफेक्शन करते हैं तो कभी कभी किसी किसी पेशेंट पे इरिटेंट की तरह भी ये शो करता है, तो ज़्यादा इरिटेंट होता है एज कम्पेयर टू ऑर्थोफ्थाल्मिक, इसीलिए हम लोग इसका प्रेफर करते हैं. ये लेस इरिटेंट होता है और ये ज़्यादातर हम यूज करते हैं माइक्रोबैक्टीरियल एक्टिविटी के लिए. ठीक है, माइक्रोबैक्टीरियल एक्टिविटी यदि किसी ऑब्जेक्ट में है तो उसको डिसइंफेक्टेंट करना है तो हम लोग ऑर्थोफ्थाल्मोस्कोपी का यूज़ करते हैं. ठीक है,
अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इंटरमीडिएट लेवल को स्टार्ट करेंगे और इंटरमीडिएट लेवल में दो एग्जांपल है फिनोल और हैलोजन उसको डिस्कस करेंगे। फिर लो लेवल के स्टार्ट करेंगे उसमें भी दो एग्जांपल है अल्कोहल और सरफेस एक्टिंग एजेंट के बारे में और फिर अपना केमिकल मेथड ऑफ स्टाइलाइजेशन डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे सिस्टमिक माइक्रोबायोलॉजी जिसमें हम लोग बैक्टीरियोलॉजी स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें।